अलैकुम जी, कैसे हैं आप तमाम लीडर्स? मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वापस से होंगे। बेसिकली मैं एक चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, सीक्रेट भी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जो यंग जनरेशन है ना, जो मैट्रिक में हैं या अभी 8th क्लास में हैं, आगे अपना अच्छा फ्यूचर कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ। तो सरप्राइज़ के हवाले से जो एक्सपर्ट हैं और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं इस फील्ड में, मेरे साथ खड़े हैं इकबाल भाई। और माशाल्लाह आपकी 16 स्केल्स में ये जॉब कर रहे हैं। और क्यों जॉब कर रहे हैं 16 स्केल में, इतने यंग और एनर्जेटिक, इतनी कम एज में? उसका सीक्रेट है स्टेनोग्राफी। आप पूछेंगे स्टेनोग्राफी क्या है, स्टेनोग्राफी यू कैन से सीक्रेट लैंग्वेज आप इसको कह सकते हैं। स्टेनोग्राफी क्या है, ये एक पिटमैन ने क्रिएट की थी और इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है। आप इसको फास्ट रिटन कर सकते हैं, कुछ भी सीक्रेट लिख सकते हैं। और एक जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है ना, वो लिखने में स्पीच आप उसे नहीं, डिक्टेशन नहीं ले सकते, आप डिक्टेशन ले सकते हैं। और ये बुक लिखी है पिटमैन ने और है वेरी बिग एक्सपीरियंस ऑफ, मैंने भी ये कोर्स किया है, बट अनलकीली मैं मलेशिया चला गया था, मैं जॉब अप्लाई नहीं कर पाया। शायद मैं भी आज की गवर्नमेंट सरकारी 16वें स्केल में या 14वें स्केल में कोई एक्टिविटी कर रहा होता, या किसी अच्छे जो मीडिया के चैनल है वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज सर अंजाम देता, या किसी एडवोकेट के साथ या किसी जज के साथ बैठ के ऐसे मैं काम कर रहा होता। तो अब इसमें जो सक्सेसफुल है, इन्होंने अकेडमी बनाई है। अगर आप में से कुछ सीखना चाहता है तो रायमंड से इन्होंने पहले कुछ यहाँ से कुछ टीचर्स से सीखा, उसके बाद ये गए कहाँ पे, कसूर के अंदर एक बहुत बड़े टीचर हैं जिनकी बहुत बड़ी अकेडमी है, वहाँ से सीख के इन्होंने सक्सेसफुली काम किया और माशाल्लाह अपनी अकेडमी बना ली। पहले उन्होंने अकेडमी घर में बनाई थी ड्राइंग रूम में, और मैं भी इनके साथ 2-3 दिन आया हूँ, इनके साथ मैंने इनसे ट्रेनिंग ली है। उसके बाद अभी ये बना ली इन्होंने अकेडमी लाहौर मेन रोड पे अलबरका बैंक के ऊपर। वो अकेडमी में जाके इनके इंशाल्लाह ताला मैं इंटरव्यू भी लूँगा, इनके स्टूडेंट्स से भी डिस्कशन होगी, और इनके स्टूडेंट्स का मैं थोड़ा सा वो जो है टेस्ट भी लूँगा कि कितने काबिल माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं। और मेरी बेटी तंग कर रही है, मैं चाहूँगा कि आप आगे बात को ये कंटिन्यू करें। आपने स्टेनोग्राफी क्यों ज्वाइन की और कितना मज़ा आ रहा है आपको और कितनी आपकी सक्सेस है इसमें अभी? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शॉर्ट एंड बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसमें चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, नो सिफारिश, नो पैसा, किसी किस्म की कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। बंदा इंसान मेरिट के ऊपर जो ना वो जॉब हासिल कर सकता है और 16 ग्रेड की कर सकता है। और सबसे जो बढ़कर चीज़ है कि आप जब स्टेनोग्राफर बन जाएंगे तो किसी ऑफिसर के साथ काम करेंगे, कुछ है कि आप खुद ही ऑफिसर होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों की फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इंटर ग्रेजुएशन करवा लेते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि हमारे पास जॉब कोई नहीं है, तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। तो आप अपने बच्चों को स्टेनोग्राफर बनाएं, शॉर्ट हैंड सिखाएं, टाइपिंग सिखाएं और बाइज्जत रोज़गार हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर। अगर कोई फ्री जॉब है तो जस्ट स्टेनोग्राफर की, इसके अलावा कोई जॉब नहीं। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बजाय अपने बच्चों को MBA करवाने के, महंगी यूनिवर्सिटीज़ में भेजने के, आप टेक्निकल एजुकेशन दें। अभी मैट्रिक के बाद अपने बच्चों को चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाएं, बच्चा बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, लैंग्वेज आए साथ। डीकॉम क्या होता है, डीकॉम का मुझे भी नहीं पता था। मेरे दोस्त ने, मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं आईकॉम कर रहा हूँ, मैंने पूछा तुम क्या कर रहे, कहता मैं डीकॉम कर रहा हूँ। मैंने कहा डीकॉम क्या है, डीकॉम का मुझे बाद में पता चला डीकॉम के अंदर सब्जेक्ट है स्टेनोग्राफी का। लोग अकाउंटिंग रखते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अकाउंटिंग से बेहतर है स्टेनोग्राफी रखें, इंटर के बाद इसको करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये जो हम सीक्रेट एजेंसीज के लोग हैं उनको भी इस लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, वो पढ़ कोई नहीं सकता हमारे सिवा जिसको स्टेनोग्राफी आती है, चंद से लोग होते हैं। मज़ेदार चीज़ है, अच्छी चीज़ है। मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया, हर अच्छी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, गुड एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस ये मैंने आपसे शेयर कर दी है। ये सफ़र हमारा जारी रहेगा, नेक्स्ट हम इनका इंटरव्यू लेंगे इनके एकेडमी में। ये CEO भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, कमा भी रही हैं, सेल्फ मेड है, वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। इनसे मज़ीद हम बातें करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बस कैजुअल, मैं बाइक पर जा रहा था, मुझे मिले, मैंने कहा चलें आ जाए सर आपका इंटरव्यू हो जाए। अब ये सफ़र